बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही जगह अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड के मशहूर सिंगर निक जॉन्स के साथ शादी की थी। बता दें कि दोनों कपल खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और 3 दिन पहले ही प्रियंका चोपड़ा एक बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में से एक हैं और वे एक फिल्म में काम करने के लिए सबसे अधिक फीस चार्ज करती हैं। प्रियंका चोपड़ा को काफी लंबा समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो चुका है। इतने सालों में प्रियंका ने बॉलीवुड के कई बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर अभिनेताओं के साथ काम भी किया है, जिसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिसमें गलत और अन्य फिल्में भी की हैं। 2-3 दिन पहले ही प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पति निक जॉन्स को टैग करते हुए गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की थी कि वे मां बन गई हैं। बता दें कि प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए कहा था कि गुड न्यूज है, हम दोनों सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बन चुके हैं। आप लोगों से अपील है कि हम अपने पारिवारिक मसलों में व्यस्त हैं इस समय, शुक्रिया। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के इस पोस्ट पर उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने उन्हें काफी बधाइयां भी दी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रियंका चोपड़ा के इस कदम को बहुत घटिया और खराब बता रहे हैं। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो ये भी कह दिया कि बच्चे के जन्म के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स का तलाक हो जाएगा। और आपको बता दें कि यह दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कमाल आर खान है। कमाल आर खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप लोगों को यदि याद हो तो किरण राव को भी उनका बेटा आजाद सैरोगेसी की मदद से मिला था, इसलिए उन्होंने अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए सोचा अपने पेट से बच्चे को जन्म नहीं देंगी। इसके बावजूद आज किरण राव और आमिर खान का तलाक हो गया है और प्रियंका चोपड़ा को भी अब सैरोगेसी से बच्चा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हालांकि कमाल आर खान ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर से एक ट्वीट करते हुए कहा कि सैरोगेसी से बच्चा पैदा करना, गोद लेना दोनों एक ही बात है। असल माँ तो वह है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है। अगर कुछ अमीर लोग पैसे के दम पर कुछ बच्चे को उसकी माँ से गोद ले लेते हैं तो ये गोद लेने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि कमाल आर खान की ट्वीट का समर्थन बहुत लोग कर रहे हैं। कमाल आर खान पहले शख्स नहीं है जो प्रियंका चोपड़ा को सरोगेसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले तस्लीमा नसरी ने भी इस बात को लेकर काफी खरी खोटी सुनाई थी। तो दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की सरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बनने के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। आपको सबसे पहले धन्यवाद।